प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज के इस पावन महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह जी, अध्यक्ष बौद्ध शोध संस्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान बंते शांति मित्र जी, अध्यक्ष अंबेडकर महासभा प्रोफेसर राम नरेश चौधरी जी, उपाध्यक्ष श्रीमती बीना मौर्य जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्री और बौद्ध भिक्षुगण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं प्रदेश शासन की ओर से इस महामानव जिनके कारण आज दुनिया के हर वह वंचित दवा कुशला व्यक्ति एक नया प्रकाश और नई प्रेरणा प्राप्त करता है, ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब भी दुनिया के अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग बड़े गौरव और गरिमा के साथ लेंगे। जब भी दबे कुचले और वंचित लोगों को अपने न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना होगा तो बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए एक प्रेरणा होगी और यह भारत के लिए गौरव की बात है कि सामाजिक तमाम प्रकार के बंधनों के बावजूद न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन को दबे कुचले वंचित तबके के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे स्वतंत्र भारत के न्याय मंत्री बने, विधि और न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और उनके द्वारा जो डायरेक्शन उस कालखंड में दिए गए थे वह भी आज भी वह उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जो 1940 और 50 के दशक में जिनकी प्रासंगिकता और जिनकी आवश्यकता थी। हम सब इस बारे में गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव का जन्म होता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाज और राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं।
आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए जो पांच प्रमुख स्तंभ हैं, उन्हें पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मऊ छावनी मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ था वहां पर भव्य स्मारक का निर्माण हो, दिल्ली में जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया था वहां पर एक भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक बनकर के तैयार हो गया है, जिस पर कार्य जो वर्तमान में लोगों की श्रद्धा का एक भव्य स्मारक बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस भवन में रहकर के अर्जित की थी उसे भारत सरकार ने लेकर के और देश के वंचित और दलित बच्चों को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए जो इंग्लैंड जाना चाहते हैं उनके लिए छात्रावास के रूप में और स्मारक के रूप में बदलने का काम किया है, स्पेशल स्कॉलरशिप भी उसके लिए जारी की है। बाबा साहब ने नागपुर की जिस धरती पर दीक्षा ली थी और दीक्षा भूमि को भव्य स्मारक के रूप में बनाने और अंतिम यात्रा जिस चैत्य भूमि मुंबई में हुई थी उसे भी भव्य स्मारक का स्वरूप देने का कार्य तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश के अंदर हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए इन पांच तीर्थों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देश और समाज के प्रति किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि बिना भेदभाव के शासन की योजना गरीब को पहुंचा देना, आज प्रदेश में 45 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के मिला है। आज देश के अंदर 2,61,00,000 गरीबों को फ्री में शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य इस शासन की स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। 1,63,00,000 से अधिक परिवारों को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। कोविड कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में और 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर फ्री में राशन देने का काम सरकार कर रही थी। यह संवेदना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। किसी भी लोकप्रिय सरकार को संवेदनशील होना होगा और उस संवेदना का प्रभाव आज किस रूप में है आपने देखा होगा। कोविड कालखंड में उस समय जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी तब एक कार्य हो रहा था और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि यह स्थल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों से जुड़ा हुआ स्थल है। डॉक्टर लालजी प्रसाद बिरवल जी ने उनकी टीम ने इस स्थल पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है और आज अम्बेडकर महासभा के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम किए जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा से जो कार्यक्रम उन्होंने आगे बढ़ाए हैं आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर करने जा रही है। जिन कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा को वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करने में हमें मदद मिलेगी। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि हमारी ही सरकार ने प्रदेश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चित्र को हरेक सरकारी कार्यालय में लगाने का काम किया है और ये हमारे लिए ही गौरव की बात है कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर उन वंचित तबके के लोगों को भी जिन्हें आजादी के बाद कभी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, बनटांगिया, थारू, मुसहर, कोल, सहरिया और वे तमाम अन्य जातियां जो हमेशा कहीं न किन्हीं कारणों से वंचित रह जाती थी शासन की योजनाओं से, जिनके लिए दूर की कौड़ी बन गई थी, उन तक आवास की योजना और शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र और राज्य सरकार वर्तमान में कर रही है और इसीलिए आज
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार हर दबे कुचले और उस तबके के साथ में जो कभी शोषण का शिकार रहा है, अन्याय का शिकार रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब हम कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं तो आज भी वह प्रासंगिकता बनी हुई है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश की आजादी के बाद संविधान सौंपते समय इस बात का उद्घोष किया था कि संविधान की मूल आत्मा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता में है और इन सभी मूल्यों के लिए आज भी हम सब पूरी प्रतिबद्धता और तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर से अम्बेडकर महासभा को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस अवसर पर फिर से नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।